हेलो एवरीवन गाइस, नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। गाइस दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया होने का कारण क्या होता है, ल्यूकेमिया होने पर दिक्कत क्या होती है, ल्यूकेमिया के कौन कौन से टाइप होते हैं और इसका इलाज क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो के पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज ल्यूकेमिया, कॉज ऑफ ल्यूकेमिया, कॉम्प्लिकेशन इन ल्यूकेमिया, टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि जो ये कैंसर होता है ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया, इसको का ट्रीटमेंट क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ल्यूकेमिया। देखो, ल्यूकेमिया इज ए ब्लड कैंसर विच इज मेनली अफेक्टेड ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एज बोन मैरो एंड लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है। यह रक्त व रक्त बनाने वाले ऊतक जैसे कि बोन मैरो, लिम्फ नोड, स्प्लीन आदि को प्रभावित करता है। आई होप आप इसमें आ गए होगा। फिर ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ मेलिग्नेंट डिसऑर्डर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम द बोन मैरो एंड स्प्रेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC सेल। दिस WBC इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड सेल। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मेलिग्नेंट कैंसर होता है, यानी कि एक फैलने वाला कैंसर होता है। मेलिग्नेंट होता है जो कि फैलने वाला कैंसर होता है। मेलिग्नेंट और बिनाइन दो प्रकार के कैंसर होते हैं। इनकी वीडियो मैंने बना दी है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप चैनल विजिट करके। यह बोन मैरो से चालू होकर पूरे शरीर में फैल जाता है, मतलब बोन मैरो से स्टार्ट होता है जहाँ से ब्लड बनता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, और WBC कोशिका की संख्या भी बढ़ जाती है। WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इन्फेक्शन होता है, तो WBC बढ़ जाती है। लेकिन इसमें जो WBC बढ़ती है वो अपूर्ण होती, विकसित होती है, मतलब वो मेच्योर WBC नहीं होती, इमेच्योर WBC होती है। इसमें WBC की संख्या बढ़ जाती है। कैसे बना है ल्यूकेमिया? ल्यूको का मतलब क्या होता है? हाई नंबर ऑफ WBC की संख्या बढ़ जाना, और इमिया का मतलब होता है ब्लड, ब्लड में WBC की संख्या बढ़ जाना, इसको बोलते हैं अपन ल्यूकेमिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज मेनली अफेक्टेड ओवर द एज ऑफ 55 ईयर्स बट इज आल्सो सीन इन चिल्ड्रन। ल्यूकेमिया जो होता है वो ज़्यादातर 55 साल से ज़्यादा के लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन यह बच्चों में भी हो सकता है, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एक कॉज ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया होने का कारण क्या है? इसका एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता। द एग्जैक्ट कॉज ल्यूकेमिया डज नॉट फाउंड बट इज मे बी ड्यू टू सम रीजन। मतलब इसका जो एग्जैक्ट कॉज है, कन्फर्म रीजन है, वो तो नहीं पता, लेकिन इसके कुछ जो यहाँ पे कारण है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी तक ल्यूकेमिया का कोई कारण पता नहीं है, लेकिन इसके होने के कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो है क्रोमोसोमल प्रॉब्लम, यानी कि आपके क्रोमोसोम में ही प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से ये हो सकता है। हाई रेडिएशन, यानी कि हाई रेडिएशन में रहने से भी आपको ये हो सकता है। फिर रॉन्ग बोन मैरो रिसीव्ड, यानी कि आपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया हो और उसमें पहले से ल्यूकेमिया हो, तो ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फिर है जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर आपकी फैमिली में किसी को जेनेटिक हुई हो, ये पहले से था बीमारी, मम्मी को, पापा को, दादा को, नानी को, तो आपको भी हो सकता है। फिर इसके सिम्टम्स देखते हैं, ल्यूकेमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है और फैटिंग होती है, थकावट रहती है, आपको फीवर होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जॉइंट पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, मेमोरी लॉस होता है, याददाश्त कम हो जाती है, मतलब आपकी। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? देखो, आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है ल्यूकेमिया होने की वजह से, कॉम्प्लिकेशन मतलब, तो ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपकी बॉडी को ही किल करने लग जाती है, आपकी सेल्स को, तो उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। और हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। फिर है मेनी अदर इन्फेक्शन एज HIV एंड ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से आपके HIV हो सकता है और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन भी फैल सकता है। अब इसके टाइप देख लेते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो इसका फर्स्ट जो टाइप है वो है एक्यूट मेलिग्नोजिनस ल्यूकेमिया, AML के नाम से जाना जाता है इसको। ये क्या होता है? अकर इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। ये जो ल्यूकेमिया होता है AML, ये बच्चों और बड़ों में दोनों में पाया जाता है। फिर एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ये क्या होता है? ALL, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन आल्सो अफेक्टेड अडल्ट, यानी कि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, लेकिन ये बड़ों में भी पाया जाता है। फिर है क्रोनिक माइलोजिनियस ल्यूकेमिया CML, ये क्या होता है? मेनली अफेक्टेड इन अडल्ट, ये जो ल्यूकेमिया होता है ये ज़्यादातर बड़ों को अफेक्ट करता है। फिर है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL, ये क्या होता है? मोस्ट ऑफन इन पीपल ओवर एज 55, मतलब जिनकी उम्र 55 साल ज़्यादा होती है ये उन्हीं को अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। फिर नेक्स्ट है ल्यूकेमिया का इलाज, मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट जो इसका ट्रीटमेंट है वो है रेडिएशन थेरेपी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल विदाउट एनी हार्म।
विभिन्न प्रकार के रेडिएशन का इस्तेमाल करके कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रेडिएशन आसानी से कैंसर कोशिका की वृद्धि को रोक देती है और किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं करती। गाइस, रेडिएशन से अपन जो सेल ग्रोथ होती है मल्टीपल उसको रोक सकते हैं और इससे ज़्यादा हार्मफुल भी नहीं होता बॉडी में। फिर नेक्स्ट जो है इसका मतलब ट्रीटमेंट हुआ है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट एंटी न्यूक्लियर ड्रग्स आर यूज विच इज इनहिबिट कैंसर सेल डीएनए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ का इस्तेमाल करके कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोका जाता है। मतलब इसमें कीमोथेरेपी में अलग अलग दवाई यूज की जाती है और उससे जो सेल ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल किया जाता है, स्टॉप किया जाता है। तो ये हो जाती है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं यानी तो वो देख लेते हैं अपन। क्या हो सकता है? आपके हेयर लॉस हो जाते हैं। गाइस, ये हेयर लॉस कीमोथेरेपी की वजह से होता है, मतलब मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, होता है। ये वीकनेस हो सकती है बॉडी में, एनीमिया भी हो सकता है आपके। तो ये था ल्यूकेमिया। आई होप आप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में देखा ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर। आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पर्सनली वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचाए और आप मेरी न्यू वीडियो देख सकें। और गाइस, चैनल पर बहुत सारी वीडियो डली हुई है, मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। आप एक बार चैनल विजिट करके देखो और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू मच।